इवन अगर हर्ट हुआ इट्स फाइन, किसी ने कुछ बोला, मेरे मन ने रोया, रोया मतलब मैंने थॉट्स क्रिएट की, ऐसे क्यों बोला, इतना इनके लिए करो तो भी ये ऐसे ही बोलते हैं, जब देखो मुझे सुनाकर चले जाते हैं, ऐसे 8-10 थॉट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही रोना आता है। तो 8-10 थॉट्स हमने ही क्रिएट की होती हैं, और कभी कभी सामने वाले ने तो एक ही लाइन बोली होती है, फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारी चॉइस है ना, फिर हम धीरे धीरे और पीछे जाते हैं, पिछले हफ्ते भी उन्होंने ऐसे बोला था, फिर एक रोना और आता है उस बात के ऊपर, फिर थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं, 5 साल पहले भी ऐसे ही किया था, और रिवाइंड करते हैं, फिर शादी के दिन तक जाकर पहुंच जाते हैं, फिर कहते मेरे मम्मी ने पापा ने बोला था इससे शादी नहीं करो, तो भी मैंने उनका कहना नहीं माना, कहाँ कहाँ माइंड जाता है हमारा। आपको ये चॉइस के लिए कोई ताली बजानी चाहिए क्या आपने? और सामने वाले ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, लेकिन जब हम इस तरह से सोचेंगे 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 तो मन भारी तो हो ही जाएगा, रोना तो आएगा ही, और क्योंकि मेरा मन भारी हो गया, बोझिल हो गया, रोना आ गया, तो मैंने कहा किसकी वजह से? सिर्फ अगर उस दिन मैंने कहा होता मेरी वजह से, तो मेरा ध्यान अपने को ठीक करने पे चला जाता, कि मैंने क्यों ये इतना सारा सोचा, इतना व्यर्थ सोचा, इतना एनर्जी गई, इतना टाइम गया, इतना मेरी शक्ति गई, इतना मेरे शरीर को कष्ट मिला, हमारा अटेंशन अपने ऊपर चला जाता, अगली बार कुछ बात होती तो हम आधा घंटा उदास होने की जगह 10 मिनट में ठीक हो जाते, क्योंकि पावर हमारे पास थी। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट है, कि आज बहुत हर्ट हो रहा है कल बिल्कुल नहीं, नहीं, चेंज ऐसा आएगा कि पहले पूरा दिन बात भूलती नहीं, फिर धीरे धीरे 1 घंटा याद रहती है, फिर धीरे धीरे आधे घंटे में ठीक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 मिनट में ठीक होते हैं, और धीरे धीरे 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं, और धीरे धीरे बात बुरी लगती नहीं, क्योंकि समझ में आ गया कि कोई बात नहीं, वो अपने संस्कार से बोल रहे हैं और मैं अपने संस्कार से रिस्पॉन्ड करना है। पावर बढ़ेगी, जैसे पैदल करना शुरू करो तो पहले दिन नहीं 10 किलोमीटर चलते हैं, पहले दिन 500 मीटर चलो, फिर एक स्टैमिना बिल्डअप करना है, स्टैमिना बिल्डअप करना है, तो जैसे ही हम अपने शरीर का स्टैमिना बिल्डअप करते हैं, ऐसे ही इमोशनल स्टैमिना भी बिल्डअप करना होता है, आत्मा का स्टैमिना भी बिल्डअप करना होता है, ऐसे नहीं होता आज बहुत गुस्सा कर रहे हैं कल एकदम से ठीक चेंज, ऐसे नहीं होगा, लेकिन अगर आज दिन में 5 बार कर रहे हैं और चूज करेंगे कि नहीं ये मेरे लिए हानिकारक है, मुझे एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना है, सोचना तो शुरू करेंगे ना, अभी तक तो क्या कर रहे थे, उनकी गलती थी, गुस्सा तो आना ही था, तो वो 10 का अगले साल तक 15 हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार को बार बार यूज करने से वो संस्कार क्या हो जाता है, और स्ट्रांग हो जाता है। आज डिसाइड किया कि नहीं ये तो मेरी चॉइस थी, ये मेरे लिए हानिकारक है, मैंने पीसफुली रिस्पॉन्ड करना है, प्यार से बोलना है, तो जब आप सुबह सुबह आज ये बात चूज कर लेंगे, और अगर आप दिन में 5 बार गुस्सा करते थे तो आपको नहीं लगता आज 5 से 4 हो जाएगा, वो होगा या नहीं होगा? कम से कम एक टाइम तो चेंज होगा ही होगा, क्यों वो एक टाइम चेंज हुआ? आज सुबह एक नया डिसीशन लिया, वो बच्चे ने कहा चुगली करते हैं, अगर हम दिन में 5 बार चुगली करते थे और आज हमने डिसाइड किया, कितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है बैठ के बोलते रहते हैं उनके बारे में, और चुगली सिर्फ शब्दों में नहीं होती, मन में कितनी हो रही होती है, बोलते जाते हवा में हम फैला देते हैं उसको, अगर उतना अवेयरनेस हुआ कि दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलकर, भले वो सच है, वो सच है, सपोज ये फूल है, ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं अब सोचना शुरू करूं पीले क्यों रखे, पीले की जगह लाल भी रख सकते थे, ये भी कोई कलर है, सोचना तो चाहिए था, पूछना तो चाहिए था, तो फूल तो वहीं के वहीं है, डिस्टर्ब कौन हो रहा है, डिस्टर्ब कौन हो रहा है? अब मेरे पास चॉइस है, कुछ सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में होती हैं, तो अगर मैं इस फूल को हटाकर दूसरे रख सकूं अपनी चॉइस की तो कर लो, लेकिन अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो फिर दूसरा किसको चेंज कर लो? पहला चेंज हमेशा सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो, इजी है ना सिचुएशन को चेंज करना,
लेकिन जब सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते तो दूसरा किसको चेंज कर लो फिर? उसके बारे में हम कैसा सोच रहे हैं उसको चेंज कर लो। लेकिन अगर सिचुएशन भी नहीं चेंज की और अपनी सोच को भी नहीं चेंज किया और उस सिचुएशन के बारे में सोचते 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 हमारी संकल्पों की शक्ति क्या होती जाएगी? इसी तरह कोई लोग हैं, उनका कोई संस्कार है, कमजोरी है। हर एक के पास एक आधी कमजोरी तो है ही है, हमारे पास भी है या नहीं है? राइट? तो लेकिन हम उनके बारे में, उस बारे में बात करने से नुकसान उनका कम किसका होगा? क्योंकि हर बार जब मैंने एक नेगेटिव शब्द का उच्चारण किया, चाहे मन में किया चाहे वाणी में किया, हर बार जब मैंने एक नेगेटिव शब्द का उच्चारण किया, एनर्जी मैंने क्रिएट किया है। वो एनर्जी का अनुभव किसको होने वाला है? मुझे होने वाला है। और सबसे पहले वो एनर्जी का असर किस पर पड़ेगा? मेरे शरीर पर पड़ेगा। राइट है? फिर मैंने कहा, बट वो है ही ऐसे, तो हम बोलेंगे ही वो ऐसे। वो कैसे भी हो, चॉइस चॉइस मेरी है। तो अगर ये डिसाइड कर लिया कि मैंने दूसरों के नेगेटिव नहीं सोचना नहीं बोलना, तो आज अगर 5 बार करते थे तो एक बार बचेगा या नहीं बचेगा? आप सिर्फ इस एक हफ्ते के लिए दिन में एक बार बचाइए, सिर्फ इस पूरे हफ्ते के लिए आप 2-3 संस्कार चूज कीजिए और एक दिन में सिर्फ एक बार बचाइए उसको। सिर्फ 10 की जगह 9, 5 की जगह 4, बस इतना ही बचाना है। तो भी आपके इस एक हफ्ते के एंड पर यहाँ की पावर क्या हुई होगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और अगर आप एक बार नहीं बचाते हैं तो अगले हफ्ते तक आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एक बार बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि वातावरण में भी वो एनर्जी है और हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं। जैसे आज अगर मुझे सीढ़ी चढ़नी है तो मैं कहती हूँ 5वीं मंजिल है, नहीं, उसके लिए मैं लिफ्ट लूंगी। दूसरी मंजिल है, अच्छा ठीक है मैं चल सकती हूँ। तो मेरा स्टैमिना कितना है? 2 मंजिल चलने का। लेकिन अगर मैंने वो 2 मंजिल भी चढ़ना छोड़ दिया और मैंने लिफ्ट ही ली बार बार, तो फिर अगली बार 1ली मंजिल तक चढ़ने के लिए भी दर्द होएगा। तो मैंने अपने स्टैमिना को क्या करती गई? घटाती गई। ये चॉइस हमारी है कि हम अपने स्टैमिना को घटाते जाएं या हम अपने स्टैमिना को क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं। किसी ने कुछ बोला, चुप रहें, चुप रहिए, अपना स्टैमिना बढ़ाइए। पहले दिन जब चुप रहेंगे, मुख से चुप रहेंगे, मन बोलेगा बोल दूं क्या, जब देखो मेरे को आकर सुना के चले जाते हैं, मैं ही चुप होती रहूं। कोई बात नहीं, मन को बोलो शांत, अपनी तबीयत ठीक रखनी है, चुप रहिए। पहले दिन यहां से चुप रहिएगा, 10 दिन यहां से चुप रहिएगा, 11वें दिन यहां से चुप होना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से भी चुप नहीं होंगे तो 11वें दिन तक तो शोर घर में और बढ़ जाएगा। तो अपने घर के वातावरण को चेक कीजिए, कलह कलेश कम करने की बजाय कलह कलेश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी संस्कार बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसी तरह जैसे ही आप एक बार शांत रहेंगे, थोड़े दिन के अंदर आपके घर शांति का वातावरण बढ़ता जाएगा। पहले दिन एक बार, अगली बार 2 बार, अगले हफ्ते 3 बार, ऐसे करते करते आपके घर की एनर्जी चेंज होने लगेगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य चेंज होने लगेगा। खुशी जिसको दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं वो इजीली बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने चेंज लाना शुरू किया। पहले दिन 5वीं मंजिल नहीं चढ़ना है, पहले दिन 5 सीढ़ी चढ़ना है सिर्फ। लेकिन वो 5 सीढ़ी 5वीं मंजिल तक पक्का लेकर जाएगी, पक्का लेकर जाएगी, क्योंकि स्टैमिना क्या होगा? इतना 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 इतना। लेकिन अगर हम पहले दिन कहें नहीं, सीढ़ी चढ़ने से मेरा पैर दर्द होता है, मैंने तो लिफ्ट ही लेनी है, तो फिर लिफ्ट तो चलती रहेगी जीवन भर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे शरीर की शक्ति कैसे धीरे धीरे क्या होती जा रही है, क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि मैं उस शक्ति को यूज नहीं कर रही। पहले दिन जब मैं सीढ़ी चढ़ूंगी मुझे दर्द होगा ही, इसी तरह पहले दिन चुप रहेंगे अंदर दर्द होगा, क्योंकि आदत पड़ी थी ना शोर का शोर से जवाब देना है, तो बड़ा मन करेगा अंदर कि मैं बोल दूं। जैसे चाय पीने का मन करता है ना जिस दिन चाय छोड़ते हैं,
पूरा दिन सोचते रहते हैं, आधा कप पी लेती हूँ, अच्छा आधा नहीं दो घूंट पी लेती हूँ, बार बार मन करता है। लोग भी आपको कहते हैं थोड़ा सा पी ले। इसी तरह जब आप चुप रहेंगे, लोग कहेंगे ऐसे चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा, उसने इतना बोला है, तू दो तो बोल सुना। तो राय भी ऐसे ही मिलती है, और राय ऐसी मिलेगी क्योंकि वो वैसे जीते हैं। लेकिन वो राय ले लेकर हमारे घर के अंदर कलह कलेश बढ़ता जा रहा है, और उसका रिजल्ट ही हमारी बीमारियां, हमारे रिश्तों में टकराव। तो हमें अपने इमोशनल स्टैमिना को बढ़ाना है। एक आज हमने क्या डिसाइड किया, गुस्सा। दूसरा हमने क्या डिसाइड किया, किसी के बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलना, बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं। कर सकते हैं सुनना भी नहीं, सुनना नहीं कर सकते, बोलना नहीं तो कर सकते, सुनना नहीं, क्योंकि आसपास के कई लोगों को आदत है सुनाने की। आजकल लोगों को एक और आदत है, अपनी प्रॉब्लम्स आके सुनाते रहते, बार बार भरे पड़े हैं ना, इतने ज्यादा भरे पड़े। और प्रॉब्लम जब सुनाएंगे ना, तो अपने बारे में नहीं, पता है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप उनको बोलो, आप ऐसे बोलो, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उनके बारे में बात कर रही थी। वो अपनी बात नहीं करने आते हैं, कोई अपनी बात करने आए आप उसके साथ घंटा बिताइए, क्योंकि वो खुद को चेंज करने के लिए रेडी है, वो सोल्यूशन पर फोकस करने के लिए रेडी है। लेकिन कोई दूसरों के बारे में बात करने आए तो आपकी चॉइस है, आपको कितना अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है। इट्स लाइक कोई अपना डस्टबिन आपके घर खाली करने आया है। हाँ आया है, क्योंकि उनका ओवरफ्लो हो गया ना डस्टबिन। लोग इतना क्रिएट करते क्रिएट करते, फिर कहते किसी से तो बात करनी पड़ेगी मन को हल्का करने के लिए, फिर जाकर अपना कचरा कहीं डंप करके आते हैं, फिर घर जाते हैं और सोचते हैं, क्योंकि वो संस्कार तो वो चेंज नहीं कर रहे। और हम उनकी बात सुनकर ऐसे 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 नॉड करके हम उनके वैसे घर भरने का संस्कार बढ़ाते जाते हैं। तो लोगों के गलत संस्कार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जब वो नेगेटिव बोल रहे हैं और हम नेगेटिव सुन रहे हैं, तो हम वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। जिस तीसरे के बारे में हम बोल रहे हैं उसको भी हम नेगेटिव एनर्जी पहुंचा रहे हैं। तो हम कहते हैं मेरी थोड़ी चॉइस थी, वो बोल रहे थे, मेरी चॉइस थी कितना सुनना था, ये मेरी चॉइस थी या नहीं थी, थी या नहीं थी, थी। तो आज हर फोन कॉल के टाइम ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मिलना थोड़ी पड़ता है ये सब करने के लिए। फोन कहते क्या करें, वो बोलते जा रहे थे, तो आप बोल सकते थे ना, काम है अभी। लेकिन हम उनको बुरा फील नहीं कराना चाहते, इसलिए हम उनका बुरा सुनते रहते हैं। हम उनको बुरा फील नहीं कराना चाहते तो हम उनका बुरा सुनते रहते हैं। अगर आपने आज व्रत रखा है और कोई प्यार से आपको खिलाता जाए तो आप खाते जाएंगे, क्यों, वो तो बहुत प्यार से बनाकर खिला रहे हैं, क्यों नहीं खाएंगे फिर आप, क्योंकि आपका। लेकिन जो लोग अपने व्रत में कमजोर होते हैं ना, वो थोड़े से किसी के प्यार के खिलाने से अपना व्रत उसी टाइम तोड़ देते हैं, और फिर ये नहीं बोलते मैंने व्रत तोड़ दिया, क्या बोलते हैं, उसने मेरा व्रत तोड़वा दिया। चाहे खाने पीने का व्रत हो, चाहे सोचने बोलने सुनने, क्या पढ़ना है क्या देखना है, इस सब का व्रत रखना है। कोई और आकर हमारा भाग्य नहीं बना रहा है, हम खुद अपनी चॉइस से अपना भाग्य बना रहे हैं, राइट। तो आज नहीं सुनेंगे नेगेटिव, कौन रेडी है न सुनने के लिए, क्योंकि अगर आपने सुन लिया ना तो आप न बोलें वो होगा नहीं, शब्दों में नहीं तो यहां तो वो शोर चलता ही रहेगा ना, क्योंकि भर लिया ना इतना सारा अपने अंदर। तो पहले न सुनना है, न पढ़ना है, न देखना है, फिर वो ना सोचने पर आएगा, और फिर वो बाहर यहां से नहीं निकलेगा, मतलब वो ना बोलने पर आएगा।